आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत सरकार की यह कार्यक्रम है और पूरे बिहार में एक दर्जन पंचायत का चयन हुआ था, उसमें लखीसराय जिला का चयन पूरे पिपरिया प्रखंड को किया गया। आज के एक साल पूर्व माननीय सांसद आदरणीय ललन बाबू के प्रयास से पिपरिया में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। जितना भी हम लोगों ने योजना दिया था भारत सरकार से अप्रूव होके आ गया है, उसके साथ साथ 33 करोड़ राशि भी आ चुकी है यहाँ इस जिला में, और आज उसका वर्कआउट होना है। अब तो जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं, उनके माध्यम से आज हर योजना को योजनावार विभागवार समीक्षा की गई, किस विभाग को किस योजना दिया जाए। हर विभाग के अधिकारी थे आज के कार्यक्रम में मौजूद, तो शिक्षा के थे, स्वास्थ्य के थे, एग्रीकल्चर के थे, कंप्यूटर के थे, रोड के, मतलब हर विभाग के अधिकारी थे। कुछ खास योजना? खास योजना वहाँ था कि दो तरह का योजना है, एक कन्वर्जेंस है और एक CGF है। CGF में 33 करोड़ रुपया आया है और कन्वर्जेंस जो बिहार सरकार काम कर रही है वह कन्वर्जेंस योजना से काम हो रहा है। तो कन्वर्जेंस योजना में दो योजना वहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक डिग्री कॉलेज है और एक IIT कॉलेज है जिसको पिपरिया में बनना है, और 33 करोड़ की राशि में लाइटिंग का काम होना है। एक दर्जन हाई मार्क्स लाइट है, 1000 सोलर स्टेट लाइट है जो पिपरिया हम लोग इंटर करेंगे, मुरवरिया पुल और उधर सूर्यजग पुल, यहीं से पिपरिया का लाइटिंग शुरू हो जाएगा और कोई पंचायत इससे बचेगा नहीं। 5 पंचायत है, 5ों पंचायत लाइटिंग से आच्छादित होगा। हर एक हाई स्कूल में आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनेगा। उसके बाद SHG के माध्यम से रोजगार का अवसर भी पैदा हुआ है, मतलब टमाटर सॉस, पोटैटो, ग्रेन व्हीट, मक्का, हर तरह का यहाँ संस्थान बैठेगा और रोजगार का अवसर भी पैदा होगा, ताकि वहाँ का जो किसान मतलब उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ ही टोमेटो सॉस का फैक्ट्री बैठेगी और वहाँ रोजगार भी मिलेगा SHG के माध्यम से। और यह कार्यक्रम जो दो साल में ख़त्म होना है, इस कार्यक्रम को दो साल में पिपरिया को मतलब शहर से बेहतर कर देना है। इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी सारा योजना भारत सरकार से अप्रूव होकर गया है, अब उस पर काम शुरू हो रहा है, इसलिए आज उसी की बैठक थी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। उसके बाद राइस भी है, उसके बाद क्या कहते हैं मेडिकल का सामान है, बहुत चीज है, सेड रोड भी बहुत है, हर पंचायत में इसमें एक पंचायत इसे छूटा है नहीं, हर पंचायत में 5ों पंचायत में काम हुआ, चाहे रोड का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, आवास का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, क्या कहते हैं रोजगार, सब तरह से काम हुआ।